अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ पर भी आप लोग, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। और बताएं कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स और बाकी सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज यहाँ पर बड़ी गुड न्यूज़ है कि हमारी मस्जिद आबाद हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़े देर से इंतज़ार कर रही थी इस दिन का, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दिन आ गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला अपने अपने घर के दरवाज़े हम सब के लिए खोले रखे हैं, यही हमारी दुआ है अल्लाह से। तो बड़ी खुशी की बात है, बस अल्लाह ताला ये जो बीमारी है इसको भी जल्द से जल्द इसको भी ख़त्म कर दें। इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह इसको भी ख़त्म कर देंगे ज़रूर। तो बस सब कुछ ठीक हो जाए पहले की तरह, बस यही दुआ है अल्लाह से। और अब आप सब सुनाइए कैसे हैं आप सब? तो जी, ये था हलवा, मैंने पहले ही सोचा हुआ था जिस दिन इंशाल्लाह मस्जिदें खुलेंगी तो मैं कोई मीठी चीज़ बनाऊंगी, तो मुझे बड़ा इंतज़ार था। तो फिर मैंने कहा क्या बनाऊं, तो फिर मैंने सोचा हलवा बना लेती हूँ। तो फिर मैंने सूजी का हलवा बना लिया, तो काफ़ी मज़े का बना था। आप सब भी देखना। और उसके साथ मामा आलू चने बना रही थी, तो सोचा जब दोनों चीज़ें बन गई तो फिर पूड़ियाँ भी बना लेते हैं। तो ये सुबह का टाइम नहीं था, ये शाम के टाइम पर मैं ये कर रही थी। और उसके बाद पूड़ियाँ भी मामा ने बना ली, आटे की बना ली थी, काफ़ी मज़े की बनी। मैंने फ़र्स्ट टाइम आटे की पूड़ियाँ खाई हैं, बहुत मज़े की लगी मुझे तो। लेकिन आपको पता नहीं ये हैवी हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है नाश्ता नहीं सॉरी शाम की चाय के टाइम पर ये कर रहे थे, सुबह का नाश्ता नहीं। यहाँ से भी मिलता है ये नाश्ते वगैरह, लेकिन अब सुबह सुबह कौन इतना करें। तो ये ज़्यादा खाने की आदत नहीं है ना, तो जब आप ये खा लो तो फिर ज़्यादा ही हो जाता है। तो फिर बस इसी तरह का आज का दिन गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा खुशी का दिन था मेरे लिए, तो मैं पूरी रात नहीं सोई। मैं पूरी रात, मैंने कहा मैं अज़ान सुनूंगी अपने कानों से, फिर ही नमाज़ पढ़ के सोऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुकून मिल गया सुन के। अल्लाह सबकी मुश्किलें परेशानियां भी बस दूर कर दें, सब आसानियाँ कर दें, और जल्द से जल्द इस वायरस को भी ख़त्म कर दें इंशाल्लाह। तो बस इस तरह का था। और यहाँ पर हलवे में पानी डाल दिया, और साथ साथ मामा बना रही थी पूड़ियाँ। पूड़ियाँ भी बहुत मज़े की थी। और पाकिस्तान में भी, अच्छा ज़्यादातर क्या होता है जब पाकिस्तान जाओ ना तब खाते हैं, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा है वहाँ पर फैमिली में कि वो लोग पूड़ियों के साथ लस्सी भी पीते हैं। और मैं तो सोच भी नहीं सकती, मैं तो जब तक पूड़ी और ऐसी चीज़ों के साथ चाय ना पी लूँ ना, मुझे तब तक सुकून नहीं आता। तो मैं जब उनको देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, यही कैसे पूड़ियों के साथ लस्सी, और उसके साथ पाए भी, उधर नाश्ता होता है ना उसके साथ भी लस्सी। तो भाई बड़ी हिम्मत है वहाँ वालों की। तो मेरी तो फैमिली में ही सब ऐसे करते हैं, तो मुझे तो देख देख के कुछ होता है कि ये कैसे पी रहे और खा रहे हैं। तो हम लोग बड़े ज़रा थोड़ा नॉर्मल ही खाते हैं यहाँ पर। तो बस खाते तो सब कुछ ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। आपको पता है लाहौरी है तो उनकी तो बात ही अलग होती है, वो सब कुछ खा लेते हैं। बस इसी तरह का था। और जी ये बन गई, पूड़ियाँ भी बन रही थी साथ साथ। और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हमारी चाय के साथ हमने ये खाया। और देखिए जी, ये मेरी पूड़ी, हलवा और चने। उम्मीद करूँगी जी आपको आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। और आप सबको भी जो यहाँ पर है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ़ से। अल्लाह ताला सब बेहतर कर दे। और एक मेरी बड़ी प्यारी सिस्टर है, रुबाहा नाम से उनकी आईडी है, उनकी बेटी का नाम है। तो उन सिस्टर के लिए ख़ास दुआ आप करना, अल्लाह ताला उनको शिफा दे और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और सेहत दे। तो सिस्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ है, अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे और आपको सेहत दे और आपको सलामत रखे। मेरी मामा भी आपके लिए बहुत दुआ करती हैं। और मेरी सारी बहनें जो मुझे इतनी इतनी अच्छी कमेंट करती हैं ना, मेरी मामा को मैं सब पढ़ पढ़ के सुनाती हूँ और वो बहुत खुश होती हैं। और आप सबके लिए बहुत दुआ करती हैं, अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे। आप मेरे साथ इतनी अच्छी हैं, मुझे इतने अच्छे कॉमेंट्स करती हैं, आप यकीन माने मेरे दिल से आप सबके लिए दुआ निकलती है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ पर भी आप लोग हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो बस आज का दिन ऐसा ही था, और बड़ा मज़े का हो गया था ये सब चाय आज की मेरी। और मुझे बताना कैसा लगा आपको आज का मेरा हलवा और मेरी सब चीज़ें। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो जी फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।